मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, बेसिकली आर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब अपनी नॉलेज को हम प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेसिकली हम उसे किस नाम से जानते हैं? आर्ट्स के नाम से। और आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स और साइंस। टीचर आंसर फाइनली क्या बताया करता था? ये आर्ट्स भी है, ये साइंस भी है, और ये बोथ है। इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स और साइंस और बोथ। तो फाइनली लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता था? बोथ। आज तक कोई भी सब्जेक्ट मैटर आपने पढ़ा होगा, अगर उसके बारे में क्वेश्चन बना कि क्या ये आर्ट है, क्या ये साइंस है, क्या ये दोनों है, तो आंसर हमेशा दोनों ही आया होगा। उसके पीछे रीज़न साफ है, हर एक सब्जेक्ट मैटर आपको नॉलेज भी देता है, और वही सब्जेक्ट मैटर उस नॉलेज को यूज़ करने का तरीका, उसे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका भी सिखाता है। तो क्या वो आर्ट्स भी हो गया? क्या वो साइंस भी हो गया? क्या वो दोनों आस्पेक्ट को इंक्लूड करता है? 101% वो आर्ट, साइंस और ईच एंड एवरी आस्पेक्ट को इंक्लूड करते हुए चलता है। तो सबसे पहले जो हमने अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करना होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। लेकिन ये अकाउंटिंग आर्ट किस किस आस्पेक्ट की है, क्या करते हैं इसमें आर्ट में? जैसे हम बात करेंगे क्रिकेट में, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो वहां पर बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, ये सारी आर्ट्स हो सकती है हमारी, यस या नो? क्या अकाउंटिंग में हम बैटिंग बॉलिंग करेंगे? क्या करेंगे? या तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, या हम क्लासिफिकेशन करेंगे, या हम समराइजेशन करेंगे, या आप डाटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और हम उसे कम्युनिकेट भी करेंगे यूजर्स को। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बेटा, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। और जो डेफिनेशन आपको बताया गया था, समझाया गया था, रटाया गया था, तो हमारा एक तरीका यही हुआ करता था, ऑर्डर यही हुआ करता था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, यही ऑर्डर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डेफिनेशन को कभी ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजेशन? रिकॉर्डिंग ही पहले क्यों बोला गया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कई बार बोलते हो तो कभी कई बार आगे पीछे कर देते हो ऑर्डर को। जब भी आप इस डेफिनेशन का आंसर कर रहे होते हैं, सर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप पहले कई बार क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, समराइजेशन पहले बोल सकते हो, हाँ है ना? ऐसा होता है, जब जब हम आंसर देते हैं कई बार गड़बड़ कर देते हैं, और अगर डेफिनेशन हटा हुआ है तो हम एक ऑर्डर में बोल भी देते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। लेकिन आज मैं आपसे रटने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम पहले बहुत कर चुके, अब नहीं करेंगे। अच्छी बात है, रटने से देखो मगअप करने से एग्जाम जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, स्पीड बन जाती है, वो हम करेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो मगअप भी कर लेंगे और आसानी से मगअप हो जाएगा। मैं आपसे एक और बात करूंगा, आज सुबह सुबह पेरेंट्स ने आपको चाय बनाने के लिए बोला, बनाई नहीं बनाई पहले कभी, हाँ है ना? बच्चों ने कहा ठीक है सर, पेरेंट्स ने बोला, और हम बहुत अच्छे बच्चे, हम पक्का बना देते हैं। लेकिन आपने उनको जवाब दिया कि एक काम करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, बाद में बनाएंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? इमेजिन कर लो, आप बनाने ही जा रहे हो, बट आपने उन्होंने बोला चलो पहले मिलके सब चाय पी लेते हैं, भाई दोनों काम करने, चाय बनाना भी हो पीना भी है, तो पहले चाय पी लेते हैं, बाद में बना लेंगे। क्या आपको मेरी बात जस्टिफाइड लग रही है? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आपको जानकारी है, सर पहले बनाया जाता है फिर उसके बाद पिया जाता है, ऐसे थोड़ी कि पहले पी लेंगे बाद में बना लेंगे। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जो काम पहले होता है उसे पहले बोलने में कोई आपत्ति है क्या? जब मैंने आपसे बोला कि पहले चाय पी लो बाद में बना लेना, तो आपने कहा गलत हो आप सर, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बनाएंगे फिर पिएंगे। मेन जब भी हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, जब हमको थोड़ा नॉलेज कम होता है, तो कई बार हम उसे रॉन्गली कम्युनिकेट कर देते हैं, यस या नो? वही सारी बातें हमने अकाउंटिंग के फील्ड में देखना है, कि जो पहले काम होता है अगर उसे पहले बोल देंगे कोई आपत्ति थोड़ी है। रिकॉर्डिंग पहले होगा, क्लासिफिकेशन बाद में होगा, समराइजेशन उसके और बाद में होगा, एनालिसिस उसके बाद जा करके करेंगे, तो उसी ऑर्डर में अगर हम उनको एक्सप्लेन भी कर देंगे, बता भी देंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले स्टेप होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती क्या है, उस सारे आस्पेक्ट पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चलो बेटा, अभी सभी बच्चे रजिस्टर लेके आए होंगे आई थिंक। एक बात और मैं आपको थोड़ा नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ, जितना भी मैं आपको मेंशन कराऊँ, नोटिंग कराऊँ, वो अपना नोटिंग बना के रखना। अभी हम बेसिक डील कर रहे हैं, क्योंकि नोटिंग से क्या रहेगा, आपका फास्टेस्ट वे में रिविज़न करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो सिस्टमेटिक नोटिंग करेंगे हम रजिस्टर पर, जब जब हमको टाइम मिलेगा, तो 2 मिनट का टाइम लगा करके हम उसे
फटाफट से रिकॉल भी कर लेंगे, और जब रिकॉल करेंगे वो सारी बातें क्लास की याद आ जाएंगी कि इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था। ठीक बात है, हम यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा। सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट, इंस्टीट्यूट ने नाम दिया है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बेटा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, 100 मार्क्स के कंप्लीट पेपर में हमने 70 मार्क्स का अकाउंट पोर्शन आता है, 30 मार्क्स का ऑन एन एवरेज हमारा ऑडिट आता है। ऑडिट भी सीखेंगे, अकाउंटिंग की बात करेंगे। सब्जेक्ट मैटर हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमने यहाँ पर पहला डिस्कस करना है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी, हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। इज एन आर्ट ऑफ, क्या है बच्चों? आर्ट। आर्ट का मतलब समझ पाए आर्ट क्या होता है? ठीक है, अकाउंटिंग को डिफाइन करना है, आर्ट का मीनिंग हम बहुत अच्छे से हमने विद एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया है। कभी कभी देखो ऐसा होता है, जैसे मैं आपको नोटिंग करा रहा हूँ और आपको वो एग्जांपल हो सकता है फ्यूचर में याद ना रहे, तो अपनी लैंग्वेज में साइड बाई साइड इधर उधर कोई एग्जाम्पल का बस थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लिया करो, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस हुआ था, तो उससे आपको कंटेंट को दोबारा रिकॉल करना बहुत आसान रहेगा। क्योंकि मैं जो आपको कहानियाँ स्टोरीज से जो चीज़ें कनेक्ट करता हूँ उससे आपको बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा कि ये क्या था। जैसे लेट सपोज हमने यहाँ क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो बैट बॉल धोनी वाला यहाँ पर ऐसा कुछ, धोनी बैट बॉल क्रिकेट ऐसा कुछ, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नोट कर लो जिससे आपको याद आ जाए। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, लेकिन सबसे पहले इस आर्ट में मैं आपसे बात करूँगा बेटा रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग की यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगा, क्या आप बता सकते हैं बेटा रिकॉर्डिंग के बारे में पहले कभी किसी बच्चे ने सुना है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग वर्ड सुना है पहले कभी? सर बहुत सुना है, अभी 4-5 बार तो आप ही ने बोल दिया, लेकिन ये अल्टीमेट होता क्या है, किसे बोलेंगे रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, एक एक करके, हाँ बेटा बताओ। स्टोर करना सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग, और बेटा एक जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन रखना कह सकते हैं। चलो और बताओ बेटा, और कोई कुछ बताएगा रिकॉर्डिंग के बारे में? थोड़ी देर पहले मैं भी आपसे बात कर रहा था कि कई बार सारी इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी स्टोर कर लिया भूल जाते हैं, अगर उसे सिस्टमेटिकली कहीं पर मेंशन कर लिया जाए तो शायद फिर उसे भूलना मुश्किल हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग बहुत तरीके की होती है, जरूरी नहीं अकाउंटिंग ही, अकाउंटिंग में ही रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि बेसिकली ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड होते हैं, मूवीज़ भी रिकॉर्ड होती हैं। दैट मीन्स एक बार हो गया उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। लेकिन ये रिकॉर्डिंग करना मतलब स्टोरेज करना होता है, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग किया जाता है? क्या आपने पहले कभी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग किया? पक्का किया होगा, 11th क्लास में इतना कुछ पढ़ा, इतना सारी एंट्रीज बनाई, इतना सारा हमने अकाउंट्स बनाए, तो कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग किया वो फीलिंग बताना, सर ये वाला काम रिकॉर्डिंग था, इसके बाद वाला काम रिकॉर्डिंग नहीं था। मेरी बात ध्यान से मैं सुनना, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आपने अभी अपने माइंड्स को कमांड देना है कि जो बहुत सारा काम हम अकाउंटिंग में किया करते थे उसमें से रिकॉर्डिंग वाला काम कौन सा था? जनरल एंट्री बनाना रिकॉर्डिंग वाला काम, बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन किया आपने, आंसर ही सही दिया, जनरल एंट्री बनाना रिकॉर्डिंग वाला काम था। इसके अलावा और कुछ आपको लग रहा है जो रिकॉर्डिंग वाला काम होगा? हाँ जी, लेजर बनाना एक आंसर हो सकता है, बात करूंगा मैं उस मुद्दे पर, पोस्टिंग वाला हो सकता है, मुद्दे पर डिस्कशन कर लेंगे जब मैं आंसर दूंगा। एक वर्ड पोस्टिंग आ रहा है, एक लेजर मेरे सामने आ रहा है, कुछ जनरल एंट्री बच्चे बोल रहे हैं, बेटा और बताओ। जनरल एंट्री को पोस्ट करना मतलब आप उसे रिकॉर्डिंग में रखना चाह रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। देखो जब मैं आंसर दूंगा सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप, मैं बस एक आपका थॉट प्रोसेस लेना चाहता हूं यहां पर कि आपके माइंड्स में क्या चल रहा है, बात क्लियर? और बताओ बेटा कोई अपना व्यू पीछे से, रिकॉर्डिंग में और कुछ शामिल करोगे? यस या नो? कैश बुक रिकॉर्डिंग का पार्ट हो सकता है, और बेटा अभी ये आंसर नहीं है, मैं आपके आंसर को अफर्मेशन नहीं दे रहा, ना किसी के आंसर को कट कर रहा हूं ना किसी को ठीक बता रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतनी बातें कर रहा हूँ आपके आंसर से, इनको सुनने के बाद फिर मैं आपको जो आंसर प्रेजेंट करूँगा आपने उनसे मैचिंग बिठानी है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस,
को रिकॉर्ड करना बेसिकली, ये कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री के थ्रू होगा। कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना एक रिकॉर्डिंग आप बता रहे हो, उसमें जो रिकॉर्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो उसे रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में ला रहे हो। ठीक है, जो भी है और बताओ बेटा, किसी का कुछ और परचेज बुक? जी बिल्कुल हो सकता है। हाँ बेटा, और सब्सिडरी बुक्स बनाना। इन्होंने कहा सर बेकार की बात मत करो, कोई कैश बुक कोई परचेज बुक, सारी बुक को हमने एक साथ पुट अप कर लिया। सब्सिडरी बुक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब्सिडरी बुक्स में आप जानते हो कि बहुत सारी बुक आ जाती हैं, 7 बुक्स आ जाती हैं, एस फॉर 7 और एस फॉर सब्सिडरी, 7 बुक हो जाती हैं, 7 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो बेसिकली आपके जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर जनरल एंट्रीज़ की आप बात कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स सब्सिडरी बुक्स की भी बात कर रहे हैं कि सर ये भी एक तरीके से रिकॉर्डिंग का पार्ट है। बाकी सारे बच्चों ने कुछ और आस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है, अब इस मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जब भी आप रिकॉर्ड आज के बाद किसी को रिकॉर्डिंग के बारे में बताओगे, आज हमारे जो भी थॉट प्रोसेस रहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आज के बाद आप किसी को अगर बताओगे कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या शामिल होगा, तो एक एक्सपर्ट की तरह उसे एडवाइस दोगे कि भाई साहब जब भी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करोगे तो बीच में और लगा लेना। क्या लगा लेना बेटा? और या तो आप जो रिकॉर्डिंग करोगे वो जनरल एंट्री बना के कर सकते हो, या फिर जो रिकॉर्डिंग करोगे वो सब्सिडरी बुक्स के थ्रू कर सकते हो। क्या बताने वाले हैं बेटा हम, कि या तो रिकॉर्डिंग करोगे तो जनरल एंट्री बना के कर सकते हो, या जो रिकॉर्डिंग किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? सब्सिडरी बुक्स के थ्रू किया जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग किसी भी अनदर मोड में नहीं होगा, नहीं किसी अनदर प्लेस पर होगा। रिकॉर्डिंग की मैं बात करूं, एक लॉजिक क्या है, मैंने क्यों लिखा सब्सिडरी बुक्स और जनरल एंट्री। रिकॉर्डिंग का मीनिंग होता है फर्स्ट टाइम एंट्री इन द अकाउंट्स, अकाउंटिंग में बात कर रहा हूं, पहली बार किसी ट्रांजेक्शन किसी इवेंट को जब अकाउंट्स में हम नोट डाउन करेंगे पहली बार, सिर्फ उसे रिकॉर्डिंग बोला जाता है। एक बार रिकॉर्ड करने के बाद, ध्यान से सुनना, बाद में उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी हो रहा है वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्या बोला? वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो कुछ और होगा। सर कुछ और क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, समराइजेशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना। फर्स्ट टाइम जब अकाउंटिंग में आप एंट्री करोगे तो वो रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये बातें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरा सब्जेक्ट मैटर ऐसा है वो सारा आप पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, और मैं भी उन्हीं टीचर्स की तरह इसको फटाफट से कंप्लीट करा दूं कि ये एंट्री बना लो, ये काम खत्म हो गया, बस आपकी पढ़ाई हो गई, आपका सिलेबस हो गया, तो फिर आपको यहाँ कोचिंग क्लास पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक बात है, मुझे यहाँ आज के बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपर्ट बनाना है कि कल को कोई आपसे कुछ भी पूछे तो लॉजिकली आप उसे कुछ रिप्लाई कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपसे बोला अकाउंट्स में पहली बार आप सिस्टमेटिकली जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग होगा, सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंटली उसी ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में आप कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गया? कोई डाउट रहेगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और पहली बार रिकॉर्डिंग या तो जनरल एंट्री बना के की जाती है या फिर वो सब्सिडरी बुक्स में। सर आपने और क्यों लगाया? क्योंकि हमारे लॉ वाले टीचर बता दिया होगा या बता देंगे आगे जा करके कि जब दो वर्ड्स के बीच में और लग जाता है, या पहले भी हमको आइडिया होगा, तो वो चॉइस होती है या तो ये या तो ये। हिंदी में और वर्ड का मतलब होता है एंड, उसका मतलब चॉइस नहीं होता, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। लेकिन इंग्लिश में और वर्ड होगा तो उसका मीनिंग होगा चॉइस होगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो सब्सिडरी बुक्स में हम पहली बार रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर उसी ट्रांजेक्शन को हम जनरल एंट्री में भी ला सकते हैं। अब मुद्दे वाली बात यह है कि सर दो चॉइस क्यों दिए गए अकाउंट में? चॉइस देने की क्या जरूरत थी? हाँ या ना? मैं आपसे पूछता हूँ, लाइफ में चॉइस की जरूरत होती है क्या? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल होती है भाई। हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन सर मेट्रो से ही पहुंच सकते हैं, बस से ही पहुंच सकते हैं, चॉइस हमारी है, जो हमें कन्वीनियंट लगेगा
उससे पहुँचेंगे। बच्चे कह रहे हैं हम अपनी स्कूटी भी ला सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चॉइस, मल्टीपल चॉइस हमारे पास अवेलेबल है, और इंस्टीट्यूट ने तो आपके साथ बहुत अच्छा कर रखा है कि आपका क्वेश्चन पेपर ही मल्टीपल चॉइस में आता है, मर्जी आपकी, जिस पर टिक लगाना चाहो लगा दो, है ना, आंसर तो एक ही ठीक है इसमें से। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे बेटा और की जनरल एंट्री, लेकिन यहाँ एक लॉजिक है, या ऐसा नहीं है कि हम बस एंटरटेनमेंट के लिए चॉइस ले रहे हैं, कुछ काम आसान होते हैं। जैसे हम बस के बजाय जब मेट्रो से आते हैं तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि बस पता नहीं कहीं भी जाम में फंस सकती है। क्या मेट्रो जाम में फंस जाती है? बस का कहीं भी गैस लीक हो सकता है, कहीं भी ख़राब हो सकती है। क्या मेट्रो का गैस लीक होगा? मेट्रो का टायर पंचर होगा? मेट्रो की कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो जनरली लेट नहीं होती, वो टाइम पर पहुंचाती है। एक बार आपने पकड़ ली तो आपको टाइम से पहुंचा ही देगी, मोस्टली रेयरली कोई घटना घट जाए उसके बारे में मत बोलना कि सर ऐसा हो गया था, दो घंटे फंसे रहे थे मेट्रो में, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेट्रो टाइमली पहुंचाती है। अब भीड़ तो दोनों जगह होता है, बस में भी होता है और मेट्रो में होता है, लेकिन वो टाइमली पहुंचाता है। तो कई बार अगर टाइमली जाना है तो चॉइस बन जाता है मेट्रो। अपने व्हीकल को छोड़ करके भी हम कई बार मेट्रो प्रेफर करते हैं कि हमारा व्हीकल पता नहीं कहाँ जाम में फंस जाए, मेट्रो से हम टाइमली पहुँच सकते हैं। तो कोई ना कोई फ़ायदा रहा तभी तो मेट्रो में मूव किए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनरल एंट्री से जब वही काम हो सकता है तो सब्सिडरी बुक्स पर जाने की ज़रूरत क्या है? कोई ना कोई एडवांटेज तो ज़रूर होगा, हाँ है ना। और आपने सब्सिडरी बुक्स बनाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, आपने 7 सब्सिडरी बुक्स बनाए। क्या आपने कैश बुक बनाया 11th क्लास में? क्या आपने कभी कैश बुक बनाया? कोई नॉन कॉमर्स बच्चा तो नहीं ना, सारे कॉमर्स वाले तो कैश बुक बनाया होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। आपको मैक्सिमम 10 to 15 days तो दिक्कत रहेगी, लेकिन बहुत जीरो लेवल से हो रहा है, सब समझ आएगा। तो आपने तो नहीं बनाया होगा, लेकिन बाकी सारे बच्चों ने बनाया होगा। तो प्रॉपर बुक टाइप में बनता, कोई वक्त अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ सब्सिडरी बुक्स में मेंशन कर दिया, और उसका हम जनरल एंट्री भी बना सकते थे, क्लियर। और आपको एक घटना और याद दिला रहा हूँ, 12th क्लास की ताज़ा घटना है। आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल सिखाया गया होगा, तो टीचर ने एक बात बोली होगी आपको कि बेटा जब जब कैश बुक बनाने को आए तो कैश वाली जो एंट्रीज होती हैं उन्हें पास मत करना। बोला था नहीं बोला था? जब कैश बुक बनाने को आए तो जो कैश वाली जो एंट्री हम पास करते हैं, जिनमें बैंक अकाउंट होता है, बैंक या कैश वाली जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट वाली जो एंट्री होती है, वो आपने पास नहीं करनी, वो नहीं बनानी। सिर्फ ड्यू वाली एंट्री बनानी है, रिसीव वाली एंट्री नहीं बनानी, हाँ है ना, ये बताया गया था। तो लॉजिक साफ है कि जिसको हम सब्सिडरी बुक्स में दिखा रहे हैं उसकी हमको जनरल एंट्री बनानी नहीं पड़ती। जिसकी हम जनरल एंट्री बना रहे हैं उसको फिर सब्सिडरी बुक्स में दिखाना नहीं होता। अगर एग्जाम में आपसे कैश बुक बनवा लिया तो फिर अब आपको कैश की जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? क्लियर समझ आ रहा है? ऑल्टरनेटिव दोनों होते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकली में ऑल्टरनेटिव की यहाँ बात करूँगा आपसे, सेम ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्री के थ्रू भी रूटेड करवाऊँगा और सेम ट्रांजेक्शन को मैं कैश बुक के थ्रू लेकर के आगे चलूँगा। बहुत सारी केस स्टडी हम आगे करेंगे जहाँ पर हम एक बार जनरल एंट्री के रूट के थ्रू जाएंगे, पहले जनरल एंट्री, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर एनालिसिस, और एक बार हम डायरेक्ट सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद समराइजेशन करेंगे, देन फाइनली हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में पहुंचेंगे। यस या नो? तो दोनों रूट हम अडॉप्ट करेंगे, बट मैं आपको कुछ आपकी नॉलेज, क्योंकि अभी मुझे यहाँ सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करनी है, प्रैक्टिकली मैं आपको केस स्टडी करा नहीं रहा हूँ, तो मैं आपकी नॉलेज की हेल्प लेकर के आपको कन्वे कर रहा हूँ कि जब जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं या कोई भी सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं, अगर उस सब्सिडरी बुक्स में किसी ट्रांजेक्शन को मेंशन कर दिया तो फिर उसकी जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिकॉर्डिंग के सिर्फ हमारे दो ही तरीके रहेंगे, जब भी किसी को बताना है रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और दैट पर्टिकुलर एंट्री कैन बी डन बाय वे ऑफ जनरल एंट्री और बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ऐसी जनरल एंट्री को, ऐसी एस्पेक्ट्स को हम जनरल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं और सब्सिडरी बुक्स के थ्रू भी हम उसे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के दो हमारे पास ऑल्टरनेटिव रहेंगे, किसी भी एक ऑल्टरनेटिव को फॉलो करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारी डेफिनेशन में, बेटा रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री के थ्रू कैसे होती है, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू कैसे होती है, और दोनों से एक ही पर्पज सॉल्व होता है या नहीं होता, वो सारे के सारे मुद्दे
हम एक अलग से बाद में लेटर ऑन प्रैक्टिकल पार्ट में डील करेंगे, जब हम केस स्टडी लेके चलेंगे, जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे, उनके नॉर्म्स सीखेंगे, सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखेंगे, उनके नॉर्म्स सीखेंगे, फिर बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? जनरल एंट्री एक हम जनरल बना लिया करते हैं, जिसे मेन जनरल या जनरल जनरल के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? यानी कि यहां पर जनरल एंट्री को हम किसके थ्रू बनाते हैं बेटा? मेन जनरल के थ्रू। बात क्लियर हो गया? एक हमारा मेन जनरल होता है, उसमें सारी की सारी एंट्री को हम जनरलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो सब्सिडरी बुक्स बनते हैं वो हमारे कितने बनते हैं बेटा? सात बनते हैं। सात याद रहेगा ना? सेवन, एस फॉर सब्सिडरी बुक्स और एस फॉर सेवन, ठीक है। सनी देओल का एक डायलॉग भी था, एस फॉर सनी देओल भी होता है, कि सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। बात की घातक मूवी देखी होगी आपने, बहुत आती है टेलीविजन पर। तो देखो जी, ये जो एस वर्ड वाले लोग हैं, इनको सात से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो यहाँ पर हमने सब्सिडरी बुक्स भी सात ही बना दिए। यस या नो? सर यही लॉजिक था क्या? क्या घातक मूवी के बाद ये कंसेप्ट आया था? है ना? क्या सनी देओल के बर्थ के बाद ये कंसेप्ट आया था? ये सात ही सब्सिडरी बुक्स क्यों हैं? ये दिक्कत वाली बात है, इसका आंसर मिलना चाहिए। सब्सिडरी बुक्स बेटा हमारे सेवन क्यों है? क्या माइंड में कुछ चल रहा है? हाँ जी। और या कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा? इसका रिटर्न भी हो जाएगा बेटा, सेल रिटर्न। परचेज बुक, फिर एक परचेज का रिटर्न हो जाएगा बेटा। मैं एरो इधर बना रहा हूँ, इसके नीचे होके जा रहा है परचेज रिटर्न। एक रहेगा आपका बीआर, बीआर का मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। और एक रहेगा बीपी, बिल्स पेएबल। ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो बेटा, कैश बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, बीआर बुक एंड बीपी बुक, ये सेवन सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़े होंगे। कोई आठवां भी पढ़ा है क्या? हाँ जी, बोले सर आठवां होता है ना मेन जनरल रिकॉर्डिंग के लिए। या तो मेन जनरल से करेंगे या फिर हम सब्सिडरी बुक्स के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन अगला ये है कि सर सेवन ही क्यों? क्या बता सकते हैं आप? कोई अंदर से कोई भी लॉजिक आ रहा हो, अंदर से फीलिंग आ रहा हो कि सर ये होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। कैसा होता है ना बीकॉम में, जैसे लिखते हैं बीकॉम के एग्ज़ाम, आई थिंक जब आप देने जाओगे या कई बार ट्वेल्थ में भी किया होगा आपने, गैस लगाया होगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता उसमें कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा पेपर तो ब्लैंक नहीं छोड़ के आते ना। या पड़ोसी, उस टाइम पर पड़ोसी बस एक शब्द बता दे, कहते भगवान के नाम पर एक शब्द बता दे, फिर उस पर हमें थीसिस लिखना आता है, हम उस पर पूरा फुल 5 मार्क्स में आंसर दे के आ सकते हैं। मतलब जब घर पर पढ़ रहे थे तब एक शब्द का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम था, जब टीचर समझा रहा था तब उस एक शब्द का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम था, लेकिन उस क्लासरूम में जो अटेंटिव माइंड से फ्रेंड ने एक वर्ड बताया, उस वर्ड को इतना एक्सप्लेन कर दिया कि एक पेज भर दिया, ठीक है। मतलब ये अगेन प्रूव करता है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है, बट यूज़ वहाँ करते हो जहाँ आप चाहते हो। बात क्लियर? कई बार हम क्लास में बैठ सकते हैं, 2 घंटे भी सुन सकते हैं किसी को, और क्या मजाल उस 2 घंटे में एक वर्ड भी हमारे माइंड के अंदर घुस जाए, ठीक है। वो हमारे पास कैपेबिलिटी है, क्योंकि जब हमने इसे फ्रीज कर दिया ना, एक बार ताला लगा दिया, हम देखेंगे, मुस्कराएंगे, सिर भी हिलाएंगे, हाँ भी करेंगे, यस सर भी बोलेंगे, बट एक वर्ड अंदर नहीं जा सकता, ये गारंटी है। ऐसा भी हो जाता है, ये एक टैलेंट वाली बात है ना, अपने आप में कम थोड़ी है ये। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सब्सिडरी बुक्स की हम बात कर रहे थे बच्चों, सात ही क्यों? लॉजिक 8 होनी चाहिए थी, 9 होनी चाहिए थी, 10 होनी चाहिए थी, बहुत सारी होनी चाहिए थी भाई। बुक ही तो लगाना था, नाम के सेल था, सेल के नाम आगे बुक लगा दिया, सेल बुक हो गया। सेल रिटर्न था, उसके नाम के आगे बुक लगा दिया, तो सेल रिटर्न बुक हो गया। ऐसे फिगर सेट्स मशीनरी के सामने लगा देते, मशीनरी बुक, प्लांट बुक, फर्नीचर बुक, ठीक है, पेटेंट बुक, कॉपीराइट बुक, बिल्डिंग बुक, कितना सारा बना सकते थे हम बुक, डेटर बुक, क्रेडिटर बुक, क्यों नहीं बनाया? ओके, हाँ, बच्चे का एक लॉजिक है। देखो मैंने आपसे क्या बोला,
लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट आपसे दूर नहीं है, आप लोग ही हैं ये सब कुछ डेवलप करने वाले, बनाने वाले। अभी आप ये सारा सीखने के बाद इसमें भी जो कमी होगी उसका भी सुधार करेंगे, आप नए नए स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे। जितने भी लॉ बनते हैं कौन बनाता है? लॉ पार्लियामेंट में बनता है, पार्लियामेंट में इंसान बैठते, मशीनरी, बात समझ रहे हो ना? यानी लॉ को बनाने वाला कौन? इंसान। इंसान के पास जो लॉजिक होते हैं उसके बेसिस पे ही प्रिंसिपल्स और लॉजिक बनते हैं, और फिर बाद में आने वाली जनरेशन उन्हें सीखती है। तो किसी ने लॉजिक लगाया होगा इसमें कुछ ना कुछ। और एक लॉजिक इन्होंने दिया कि सर ज़्यादातर सेल परचेज और कैश में ही तो ट्रांजेक्शन होते हैं, यस या नो? तो जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उनकी बना लो सब्सिडरी बुक्स, जो कभी कभार होता है उसे उठा के डाल दो कहाँ पर? मेन जनरल। बहुत बढ़िया लॉजिक था, 100% सही लॉजिक था। कि जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, बार बार होते हैं, उनका एक रजिस्टर फॉर्मेट बना लो। सीधा नाम लिखो और अमाउंट, नाम लिखो और अमाउंट, नाम लिखो और अमाउंट, काम आसान हो जाएगा, बार बार एंट्री नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरा, नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस पर किसी को भी बिठा दो जिसे थोड़ा सा लिखना आता है और अमाउंट मेंशन करना आता है, बोला जितना भी सेल हो इस रजिस्टर पर चढ़ा देना, या नाम लिखना और इधर अमाउंट लिख देना। क्या इस काम को करना आसान है? क्या एंट्री को बनाना टफ काम है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट होते हैं, जैसे कैश में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो कैश बुक बना लिया, सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके रिटर्न के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए बुक बना लिया। पुराने टाइम में, क्योंकि ये सब्सिडरी बुक्स कंसेप्ट अब का नहीं है, ये सनी देओल के बर्थ के टाइम का नहीं है, बहुत पुराने टाइम से, जब से अकाउंटिंग है तब से ये सारे कंसेप्ट चले आ रहे हैं। बहुत पुराना कंसेप्ट है, पहले चेक नहीं चलते थे। आपने बैंक्स के बारे में पढ़ा होगा, बैंक के नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंस के बाद बैंकिंग कंसेप्ट आया ज़्यादातर इंडिया में, और अभी भी कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर बैंकिंग पूरी तरीके से नहीं पहुँचा है। तो जब बैंक नहीं था वो ट्रांजेक्शन कैसे होते होंगे? इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वेरियस इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हम कई बार BR के नाम से जानते हैं, BP के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और अगर हम अदर आस्पेक्ट्स में बात करें, जब आपके सिलेबस में भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे आप, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, हुंडी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पहले डीलिंग हुआ करती थी। और यही एक क्रेडिट के तरीके हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में चेक चलते हैं। आज के टाइम में जो चेक चलते हैं, पुराने टाइम में BR और BP चलते थे। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ करता था तो BR और BP की भी बिल्स ऑफ कहीं ना कहीं सब्सिडरी बुक्स बनाने का कंसेप्ट लोगों के माइंड में रहा, और वो उनकी सब्सिडरी बुक्स बना लिया करते थे। और बाकी सारे ट्रांजेक्शन उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते, तो अदर ट्रांजेक्शन्स की सब्सिडरी बुक्स बनाने की ज़रूरत फील नहीं की गई, बात समझ रहे हो? तो पुराने टाइम में जब अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, इनिशियल टाइम पर ये सारे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो इनकी सब्सिडरी बुक्स बना लेते थे। बाकी सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो जाया करते थे? जनरल। बात क्लियर हो गया? आप समझ पाए? मान के चलो इनमें से भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो फ्रीक्वेंट नहीं है, मान के चलो किसी का बिजनेस ऐसा है जिसमें रिटर्न का तो कभी कंसेप्ट ही नहीं है, तो उनको सेल रिटर्न बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है? जो कभी परचेज को रिटर्न ही नहीं करते, उनको परचेज रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट है उसकी सब्सिडरी बुक्स बना लो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी सब्सिडरी बुक्स मत बनाओ। तो एक कंसेप्ट से सामने आ जाता है कि 7 के 7 सब्सिडरी बुक्स बनाना मैंडेटरी नहीं है, आप 7 बना सकते हो, और अगर आपका कम से काम चलता है तो आप कम भी बना सकते हो, और हो सकता है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई ऐसा हो जो इन 7 में ना आता हो, बट वो बहुत ज़्यादा होता हो, तो इसी कंसेप्ट पर आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए भी सब्सिडरी बुक्स बना सकते हैं। बात क्लियर है? आज के टाइम में BR BP नहीं चलते, बट बच्चों को सिखाने के लिए BR BP बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और हम सिखाते चले जा रहे हैं, वो अभी नहीं हट रहे हैं सब्सिडरी बुक्स से, कंसेप्ट से, क्योंकि ये जनरल फंडामेंटल सिखाए जा रहे हैं, तो इसमें हटाने की जरूरत भी नहीं है, बच्चों को सिखा देते, बात समझ रहे हो? लेकिन आज के टाइम में ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं चलते, बात समझ रहे हो? आप इनको एक तरीके से चेक के थ्रू एज्यूम कर सकते हो, चेक की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। कई बार एजुकेशन में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, सब सिखाते रहते हैं, उधर ध्यान नहीं जाता। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट होगा वो सब्सिडी बुक्स के थ्रू रिकॉर्ड होगा, जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट नहीं होगा उसे हम बेसिकली जनरल के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। हालांकि इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर बहुत डिटेल में और बात करेंगे जब इनके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, इनकी अकाउंटिंग करेंगे।
तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में अब तक हमने क्या सीखा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. घर मत बताना जाके कि क्या सीख क्या अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बोला ऐसे सीखने गए थे, तीन ही तो बढ़ते यहीं रट लेते, बात समझो, दो घंटे खराब करके आए. यहां पर हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल, क्या आप विद लॉजिकल किसी को समझा सकते हैं क्या अकाउंटिंग क्या आर्ट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, बता सकते हैं आप? और रिकॉर्डिंग के हमारे दो वे रहेंगे, किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू या फिर सब्सिडरी बुक्स के थ्रू. सब्सिडरी बुक्स भी हमारी कितनी बनेंगी? 7. सातों बनाए जाना मैंडेटरी नहीं है, जो यूजेबल हो उसे आप बना सकते हैं. बात क्लियर रहेगी? अगले स्टेप की मैं आपसे बात करता हूं, अगले स्टेप की बच्चों में आपसे बात करूं तो अकाउंटिंग का दूसरा एस्पेक्ट होता है क्लासिफिकेशन. दूसरा वर्ड हमारे लिए जो गोल्डन वर्ड हमारे सामने आता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफिकेशन. बेटा क्लासिफिकेशन किसे बोलेंगे? इनको डिवाइड कर देना, सेग्रीगेट कर देना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं बच्चे. और बताओ बेटा क्लासिफिकेशन में क्या बोलेंगे? लेजर में पोस्ट करना सब अकाउंट्स में. और बताओ क्लासिफिकेशन का कोई जनरल मीनिंग आपके माइंड में आ रहा हो? अभी तो आप टेक्निकल बता रहे हो, जो आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है उससे नॉलेज आप गेन करके आप मुझे यहाँ कुछ डिलीवर कर रहे हो. कुछ जनरल मीनिंग क्लासिफिकेशन सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्लासिफिकेशन वर्ड सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है? क्योंकि देखो वर्ड के अंदर उसके मीनिंग को फिट कर दो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे याद थोड़ी ना रख लोगे. जब तक वर्ड के अंदर उसके सारे लॉजिक को डाल नहीं दोगे, जैसे वो वर्ड माइंड में आएगा तो फटाफट से उसका मीनिंग निकल के सामने आ जाए, उसकी पिक्चर आ जानी चाहिए सामने क्या है. ठीक है, जैसे अभी मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा था, अचानक से वर्ड के माइंड में आ गया होगा, चल रहा है आज तो नहीं है इंडिया का मैच. ठीक है, ठीक है, जो इंटरेस्ट, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं वो कई बार उन्हें दिक्कत होती है, सुबह से ही टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है. वो टीवी को ज़्यादा नहीं तो न्यूज ही चला लेते हैं उस दिन. तो मेन थिंग इज दैट, मैं आपसे कह रहा हूँ वर्ड जो रहेगा उसमें उसका मीनिंग आपका फिट हो जाना चाहिए. मैंने बोला क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन सुनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सिमिलर डेटा को आइडेंटिफाई करना और देन आफ्टर उसकी ग्रुपिंग कर देना. और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना, कैटेगरी बना देना उनकी. लेट सपोज कई बार पेरेंट्स मार्केट जाते हैं और इकट्ठा सामान लेके आ जाते हैं, और आप तो कभी जाते नहीं उनके साथ, बोलते आप ही लेके आओ इस काम को, हम नहीं करेंगे, हम तो अपनी शॉपिंग करते हैं सिर्फ. जब वो बल्क में सामान लाते हैं तो वहाँ से आने के बाद उस दौरान आप जब सामान भारी सा उठा के लाते हैं तो गुस्से में होते हैं, उस दौरान आप कुछ बोलते भी नहीं हो, जो उन्होंने बोला उसको सीधा सीधा फॉलो कर लेते हो. बोला अब इस सामान को सही से लगा दो, सब सारे घर में सही से लगा दो, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कर दो. तो उसमें फ्रूट्स भी रखे होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, कुछ घर का प्रोविजनल आइटम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, प्रोविजनल स्टोर से जो आते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं. उसमें आटा भी रखा हुआ था बेटा, जो बैग लेके आए थे पेरेंट्स. आटे को कहाँ रखोगे? फ्रीजर में. कहाँ रखोगे बेटा? फ्रीजर में बोल रहा हूँ मैं, ऊपर आइस क्रीम बनता है, क्या वहाँ रखोगे? ये तो सबको आता होगा ना, इसे सिखाने की जरूरत तो नहीं ना. आटे को कंटेनर में रखेंगे, जो कंटेनर होगा ड्राई होगा वो सही प्लेस पर रखा होगा जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो, नमी ना हो. कंटेनर में आटा. और बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कहाँ रखेंगे? फ्रिज में. उसमें ग्रैप्स भी रखे थे, वो नीचे वाले टोकरे में निकालेंगे, सबसे नीचे ग्रैप्स, उसके ऊपर बड़ा सा पम्पकिन, ऐसे रखेंगे. क्या करेंगे? पम्पकिन को नीचे रखेंगे और ग्रैप्स को ऊपर लगा देंगे. ये क्या कर रहे हैं आप? ये सिखाना पड़ता है क्या? नहीं ना. सिमिलर आइटम्स की कैटेगरी बना रहे हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसे अलग रख रहे हैं. ठीक है, जो थोड़ा हार्ड है उन सबको मिक्स करके पोटैटो पम्पकिन ये सारी चीज़ें एक साथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं रहा. आटा साइड में कर दिया, ठीक बात है. आइसक्रीम थी उसे ऊपर लगा दिया फ्रीजर में. बेटा ऐसे ही करोगे क्लासिफिकेशन? यस या नो? तो क्या अकाउंटिंग में ऐसा करना कोई दिक्कत वाली बात है? आइटम ही तो चेंज होगा, कंसेप्ट तो वही है, आइटम ही तो चेंज हो रहा है. लेट सपोज जो पेरेंट्स का बैग था उसमें कुछ बिस्किट्स के पैक थे, 50-50 करके थे. आपको मालूम है 50-50 भी पार्ले जी का ब्रांड है एक, आया ना? ठीक है, 50-50 के छोटे छोटे उसमें पैक थे, 10-12 पैक थे. तो उन सारे बिस्किट्स को उठा के एक ही जगह तो स्टोर करोगे, हाँ या ना? कोई ऊपर निकलेगा, कोई नीचे निकलेगा. सेम वे अकाउंटिंग में होता है. एक सिमिलर एंट्री पहले दिन मिल सकती है और वही सिमिलर एंट्री मंथ एंड पर भी मिल सकती है.
मान के चलो किसी को 5,000 का आपने गुड सेल किया, और हो सकता है कैश में 3 दिन बाद किसी और को 5,000 का गुड सेल किया या 10,000 का गुड सेल किया। तो बेटा सेल की एंट्री एक दिन में भी 50 मिल सकती हैं। सेल हो गया, फिर परचेज हो गया, फिर सेल हो गया, सैलरी पे कर दिया। सिमिलर एंट्री आपको जितना भी कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगा उसमें जगह जगह मिलेगी। जगह जगह से उन्हें पिक करो, उठाओ और एक जगह जा कर के उन्हें रख दो। क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल और देसी तरीके से बताया। सिमिलर एंट्रीज को उठाना है और एक जगह जाके रखना है। इसका टेक्निकल नाम डिस्कस कर लें। इसे अगर क्लासिफिकेशन बोल देंगे कोई बुराई है क्या इसमें? कि क्लासिफिकेशन में कर क्या रहे हैं हम? एक जैसा अकाउंटिंग एंट्रीज ढूंढ रहे हैं और वहां से उठा करके उसे दूसरी जगह पर पुट कर रहे हैं। यस या नो? और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कई बार हम इसे लेजर पोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेजर पोस्टिंग। सर ये लेजर पोस्टिंग क्या होती है? हमने जनरल एंट्री एक तरफ से बना दी, किस कोई भी ट्रांजेक्शन है सबकी एंट्री एक तरफ से बनाते चले जाओ, जिस दिन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया, जिस दिन हुआ उस दिन रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि हैंड टू हैंड हम सारा काम नहीं करते, पहले रिकॉर्डिंग करते रहते हैं एक रजिस्टर पर, एक मेन जनरल में करते रहेंगे या सब्सिडी बुक्स में, उसके बाद फिर हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स को बाद में क्लासीफाई कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन हो गए ना, अब इनको उठा उठा के सेपरेट सेपरेट अलग अलग रख लेते हैं अलग अलग जगह। बात क्लियर है? जैसे पेरेंट्स मार्केट से सामान खरीदते टाइम पे सोचते नहीं है कि कहाँ रखना है, वो एक ही बैग होता है उसमें सारा डालते चले गए, लेकिन घर आके अलग अलग रखा जाता है ना। सेम वे अकाउंटिंग में होता है, जब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सारे ट्रांजेक्शन एक ही बैग में एक ही जगह पर एक ही बुक्स में मेंशन कर रहे थे, चाहे वो सब्सिडरी या जनरल एंट्री। अब यहाँ से उठा उठा के अलग अलग लेजर बना रहे होते हैं। इसका मतलब हर एक आइटम के लिए एक लेजर अकाउंट बनता है, हाँ या ना? और आपने किया भी होगा 11th क्लास में, जितने भी एंट्री में नए नाम मिलते थे टीचर क्या सिखाया करता था, जो नया नाम मिले उसके लिए एक नया अकाउंट, जो नया नाम मिले उसके लिए एक नया अकाउंट। तो हर एक आइटम के लिए, हर एक पॉइंट के लिए एक अकाउंट बनाना, हर एक एंट्री के लिए जिसमें नए नए जो नाम मिल रहे हैं उन सबके लिए अकाउंट बनाना अपने आप में एक क्लासिफिकेशन है। बात क्लियर? तो सेल एक बार मिल गया, एक बार सेल अकाउंट बना लिया तो दूसरी एंट्री में सेल आएगा तो दोबारा सेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसी सेल अकाउंट में सारी की सारी पोस्टिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर 10 अलग अलग पर्संस को सेल किया है तो 10 अलग अलग पर्संस के अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उन पर्संस के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सेल अकाउंट 10 बार नहीं बनाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिमिलर जगह पर प्लेस करो और एग्रीगेट वे में उन्हें एक जगह पुट कर लो। बात क्लियर? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं किसी भी संस्था में 5 करोड़ अकाउंट हैं, क्या उनके सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स बना अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा? यस या नो? 5 करोड़ अकाउंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या 5 करोड़ पर्संस के साथ डीलिंग हो सकती है? बेटा फैक्ट पे डाउट मत करो, रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी चलती है, 5 करोड़ पर्संस के साथ डीलिंग आराम से हो सकती है, 5 करोड़ पर्संस के अकाउंट हो सकते हैं और उनके सेपरेट अकाउंट बन सकते हैं। जनरली जब हम कोई अकाउंट बनाते तो आप जनरली एक पेज ऑक्यूपाई कर लेते हो, लंबी लंबी 4 लाइनें खींच दी, ऊपर लिख दिया अकाउंट्स। जो बच्चे थोड़ा सा पेज बचाते हैं वो हाफ, कम से कम हाफ पेज तो यूज़ कर ही लेते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 करोड़ अकाउंट बनाने के लिए कितना बड़ा लेजर बनाना पड़ेगा? सर एक पेज पे 2 अकाउंट ही बनाएंगे, आगे पीछे मिला के 4 अकाउंट, तो 1.25 करोड़ पेजेस चाहिए। यस या नो? 1.25 करोड़ पेजेस का जब लेजर बनेगा तो आपको उसे बनाने के लिए, उठाने के लिए क्रेड मशीन मंगाना पड़ेगा या नहीं मंगाना पड़ेगा? आया ना? ठीक बात है। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं यूज़ भी करूँगा। मेन थिंग इज़ दैट मैंने आपसे बोला कि जब जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो उसके बाद अगला स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है सेग्रीगेशन करना, अलग अलग आपने लेजर बनाने होते हैं, अलग अलग आपने लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं ईच एंड एवरी पार्टी का, और उन सबको एक साथ, उन सारे अकाउंट्स को एक साथ बंच बना देते हैं, बाइंड कर देते हैं। एक वर्ड होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्ड मैंने बोला आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तीसरा वर्ड मैं बोल रहा हूँ लेजर बनाना होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? जब हम सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट का नाम ले रहे हैं, हमने क्लासिफिकेशन किया है उससे रिलेटेड सारे एंट्रीज को उस अकाउंट में मेंटेन किया है, बट वही इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जब सारे अकाउंट को एक साथ जोड़ दें और उनका एक बंच बना दें, उसे स्पायरल करा दें, उसकी बाइंडिंग करा दें, तो उसे किस नाम से बुला लिया जाता है? लेजर के नाम से। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें वेरियस अकाउंट होल्ड होते हैं, ठीक बात है। लेजर इज़ अ बुक जिसे हम बोल सकते हैं स्पायरल बनवा दिया, बाइंडिंग करवा दिया, मार्केट से बने हुए लेजर मिलते हैं, बस उस पार्टी का नाम लिखना होता है
और नीचे मैनुअली एंट्रीज डाली होती है। और हालांकि आज के टाइम में कंप्यूटराइज वर्क होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट उनका बना लेता है जैसे ही नया अकाउंट बनता है। तो लेजर क्या होता है? बंच ऑफ वेरियस अकाउंट। लेजर क्या होगा बेटा? बंच ऑफ वेरियस अकाउंट। और लेजर में हो क्या रहा है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन पहले कर दें, रिकॉर्डिंग बाद में कर दें, चलेगा क्या? अब मैं इस बात को बोल रहा हूं, आपको अटपटा सा लग रहा है? अब कभी भी आज के बाद ये बोलेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन देन रिकॉर्डिंग, हाँ है ना? तो अब पहले, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और दूसरा क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्योंकि यहाँ तक ऑर्डर मालूम है आपको, पहले रिकॉर्डिंग होगा उसके बाद ही तो उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो चाय वाला एग्जांपल अब आप मैच कर पा रहे हो कि पीने से पहले, बनाने से पहले पी नहीं सकते, सेम में रिकॉर्डिंग से पहले क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन, और तीसरा एस्पेक्ट हमारा क्या रहेगा? समराइजेशन। तो चलो पहले मैं नोटिंग करा देता हूँ इस पर। हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया बेटा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद मैं एरो का फ्लो थोड़ा इधर लेके चल रहा हूँ क्योंकि स्पेस की इधर कमी है। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा बेटा? क्लासिफिकेशन। बेटा ये रिकॉर्डिंग के बाद हमने यहाँ से लेके आए हैं इसे, ठीक है? पहला अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग कैसे किया वो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट में या मेंशन कर लिया था। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेटा क्लासिफिकेशन में होता क्या? लेजर बनता है। क्या आप जानते हैं लेजर क्या होता है? हाँ जी, यानी ये एक तरीके से बंच या बुक्स कह सकते हो, बुक्स ऑफ वेरियस अकाउंट्स। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स की एक बुक बना देते हैं। ये सब्सिडरी बुक्स वाली नहीं, बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मतलब बंच हो गया एक तरीके से, ठीक बात है? तो लेजर एक बंच हो गया, और हर एक अकाउंट में उस अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो जाता है। बात क्लियर? अब यहाँ से आगे मैंने थोड़ा एक एग्जाम्पल आपसे दिया था कि अगर किसी संस्था में 5 करोड़ अकाउंट हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक पेज पर आगे पीछे मिला के 4 अकाउंट भी बनेंगे तो 1.25 करोड़ पेजेस का एक बंच बन जाएगा, और उसके वो बड़ा भारी हो जाएगा, उसे उठाने के लिए कहीं ना कहीं क्रेन मशीनें मंगानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने, आपके एमडी ने, या आपके मैनेजर ने, या सीनियर ने आपसे बोला कि जरा आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हैं, बताना जरा क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस का। आपने कहा बिजनेस का परफॉर्मेंस, हाँ जी बिजनेस का परफॉर्मेंस मिलता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, जहाँ पर हमने बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसके बाद हमने तो क्लासिफिकेशन भी कर रखा है। आपने क्रेन मशीन को ऑर्डर दिया, बोला कि उठाओ इस लेजर को, रखो इस मैनेजिंग डायरेक्टर की टेबल पर, और उसे बोलो कि चढ़ जाओ इसके ऊपर सीढ़ी लगा करके, और एक एक अकाउंट्स को ओपन करो और देखते जाओ परफॉर्मेंस कैसा है, हाँ है ना? क्या बेटा उस मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, या उस एमडी के पास, या उस सीईओ के पास इतना टाइम है कि वो अकाउंट को एनालाइज करे? वो प्लानिंग करना चाहता है, वो सिर्फ डिसीजन लेना चाहता है, वो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, वो अकाउंटिंग में उलझ के रह जाएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा। बिल गेट्स जैसा पर्सन जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अपने आप में, वो लेजर को चेक करेगा? क्या वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश हो जाएगा कि मुकेम्बो खुश हुआ, सैलरी बढ़ गई आपकी 500 गुना, ऐसा होगा? आपसे बोलेगा भाई साहब कल से मत आना, इनका रेजिग्नेशन साइन करवाओ आज ही, क्योंकि इसके पास टाइम की कमी है और आपने उसे गलत डॉक्यूमेंट दे दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, हम उसे बोल सकते हैं कि देखो आपको सब कुछ आता होगा, आप इस लेवल पर पहुंचे तो बुक्स तो बनाना आता ही होगा आपको, जब बनाना आता है तो समझ भी सकते हो ये लेजर है, लेकिन वो आपकी बातों से खुश नहीं हो सकता। आपको उसे इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में देनी है जिस फॉर्मेट में वो समझ सके, जिस फॉर्मेट में वो डिसीजन ले पाए, लेकिन अभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से लेजर उसके काम का नहीं है। उसको चाहिए समराइज्ड इन्फॉर्मेशन, समरी चाहिए, बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो जब हमको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उसे क्या बोलते हैं? समराइजेशन। बात समझ रहे हो ना? समराइजेशन वर्ड को देखने से क्या लग रहा है कि समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसमें से निचोड़ निकालना है, इसकी समरी क्या है, उस समरी को निकालो और उस समरी को प्रेजेंट करो किसी टॉप ऑफिशियल्स के सामने, जिससे वो जल्दी से समझ सके और जल्दी से डिसीजन ले सके, और दैट प्रोसेस इज नोन एज
समराइजेशन। बात क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत रहेगी बेटा? क्या कह रहे हैं, कुछ कह? ओके ठीक है, चलो बेटा चले जाओ। हम बात कर रहे हैं समराइजेशन की, हम बात कर रहे हैं समराइजेशन की। जब बात करें तो समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन निकालना इज नोन एज समराइजेशन। तो बेटा जब जब समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, जब जब समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब डिटेल फॉर्म से हम कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, छोटी मोटी नॉलेज, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस छोटी सी ट्रिक के बेसिस पर वो सारी कहानी रिटेन हो सकती है। अभी हम काफ़ी देर से हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और दिस इज द समरी। यस यू नो? देखो बेटा कितने टाइम से हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पर, और ये समरी आपकी कुछ कुछ एक सर्टेन वर्ड्स में आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ समराइजेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को, डिटेल्ड डिस्कशन को अभी हमने अपने सामने रखा और इसके एक एक पहलू पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग वर्ड दिख रहा है तो अचानक से बहुत सारे कंसेप्ट माइंड में आ रहे हैं। यस या नो? मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया। समराइजेशन से इसी तरीके से एक आपका मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा होता है, क्योंकि उसे सारा मालूम है, सारा एस्पेक्ट उसने विजुलाइज कर रखा है, बस उसे समराइज इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उस बेसिस पर वो डिसीजन ले लेगा कि बिजनेस में क्या करना है। यस या नो? तो अगला स्टेप होता है हमारा समराइजेशन। और लेकिन समराइजेशन में हम करेंगे क्या, क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी, कुछ आइडिया है आपको क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा आपने क्या कर रखा है, क्या होना चाहिए, अंदर से फीलिंग लेके आओ। फाइनल अकाउंट बनाना, बच्चा ने एक वर्ड यूज किया फाइनल अकाउंट बनाना। बेटा लेकिन फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। क्या वो समरी फॉर्म होता है? क्या बहुत ही छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है? आराम से उसमें हमारी असेट्स के बारे में एक साइड में जानकारी होती है, एक साइड में लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें एक इनकम वाले आइटम होते हैं, एक्सपेंसेस वाले आइटम होते हैं, उनका नेट ऑफ करके हम क्या निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिट। एक साइड में सारी इनकम, एक साइड में सारे एक्सपेंसेस खर्चे, एक साइड में सारी इनकम, एक साइड में सारे एक्सपेंसेस, दैट मींस खर्चे, और इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर अपनी बैलेंस शीट मैच कर रहे होते हैं, एक साइड में सारी असेट्स, दूसरी साइड में सारी लाइबिलिटीज। मैं बहुत ही अपर तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं डिटेल में ये भी नहीं लेके जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि बस मैं आपको ये कंसेप्ट फील कराना चाहता हूँ, अकाउंट की जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब जब आप अकाउंटिंग सीखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके किसी ना किसी एस्पेक्ट का वो पार्ट रही होगी, और आपको फील होना चाहिए कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर अकाउंटिंग की कंप्लीट जो प्रोसेस है, जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और फाइनली जा करके कम्युनिकेशन पर एंड होता है। तो रिकॉर्डिंग से लेके कम्युनिकेशन के बीच का ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये चैप्टर कहाँ लिंक करेगा, कहाँ मदद करेगा हमारी, वो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। उसके लिए रिकॉर्डिंग को समझना जरूरी था, हमने समझा। समराइजेशन को, क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी था, हमने समझा। और क्लासिफिकेशन के बाद हम समरी निकालेंगे, दैट प्रोसेस नोन एज समराइजेशन। तो समराइजेशन में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली तैयार कर रहे होते हैं, कई बार हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना रहे होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा होता है? अभी रिसेंटली आप बना के आए होंगे 12th क्लास में, बनाया नहीं बनाया बेटा? उसमें हम फाइनली यही चेक कर रहे होते हैं कितना कैश था, कितना आया, कितना गया और बैलेंस कितना बचा। यानी कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है कि आपके यहाँ कैश की क्या पोजिशन चल रही है, कैसे कैसे फ्लो रहे, कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ को गया और अभी बैलेंस क्या चल रहा है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? हालांकि हम इस टर्म को आईटी में समझेंगे, एक चैप्टर भी है आपके में, आईटी एक्ट, साइबर लॉज। इंफॉर्मेशन वर्ड एक डाटा को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होता है। डाटा फाइनली जब आपके लिए यूजेबल होता है, यूजफुल होता है, काम का होता है, तो वही क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो एनी फैक्ट, फिगर और सरकमस्टांसिस विच इज यूजफुल टू यू, दैट इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। तो जो भी अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारा मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है और बहुत सारे अदर पर्सन के लिए भी क्या होता है, यूजफुल होता है। इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, क्या बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना,
खुद से कंटिन्यू करना है या इसको किसी और अदर पर्सन को सेल कर देना होता है, ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट को जानकारी पहले दे रहे हैं, फिर मैनेजमेंट इन पर क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो क्या समराइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है? हाँ या ना? क्या समराइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार होंगे वो सारे यहाँ एक बार मेंशन कर लेते हैं। हालांकि समराइजेशन प्रोसेस भी हम सीखेंगे, बहुत सारे चैप्टर जो समराइजेशन से कनेक्टेड हैं, जब जब वो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा तब तब हम टाइम टाइम पर उन्हें लिंक करते रहेंगे। कभी भी कोई एस्पेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सर ये अकाउंट की जर्नी में किस टॉपिक से कनेक्टेड है, क्या ये रिकॉर्डिंग से कनेक्टेड है, क्या ये क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड है, क्या ये समराइजेशन से कनेक्टेड है, क्या ये एनालिसिस से कनेक्टेड है या इंटरप्रिटेशन से कनेक्टेड है। चलो नोट करें बेटा, अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों हमारा समराइजेशन। तो क्या रहेगा बेटा यहां पर, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा, सीएफएस एटसेट्रा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। समराइजेशन के बाद हम बात करेंगे बच्चों एनालिसिस की। बेटा एनालिसिस बता सकते हैं? हाँ बोलो बेटा बोलो, कोई नहीं, कुछ कह रहे थे? ओके, एनालिसिस करना कह सकते हैं, किसी एस्पेक्ट को सिस्टमेटिकली फील करना, बार बार देखना, उसके फैक्ट एंड फिगर को डिटेल में जानने का प्रयास करना, एनालिसिस कह सकते हैं। डीपली उसे मॉनिटर करना भी एक तरीके से एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। और फिर इंटरप्रिटेशन क्या होता होगा? गलती हो सुधारना, वो रेक्टिफिकेशन कह सकते हैं उसे। गलती है, समझ में आ गया, उसे सुधार रहे हैं, तो फिर वो रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। एनालिसिस मैंने आपसे बोला किसी को डीपली तरीके से फील करना, देखना, मॉनिटर करना, एनालिसिस कैटेगरी में आ सकता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है फिर? इंटरप्रिटेशन वर्ड, ये इंटरप्रिटेशन क्या होता होगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लेट सपोज आपका फ्रेंड, जैसे हम कई बार हम क्लास में बैठते हैं तो जनरली एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगते हैं। कई बार तो ये होता है कि वो उधर चेहरा करके जा रहा था, आपने पीछे से ही पहचान लिया उसे, उसकी हेयर स्टाइल से, उसके स्टाइलिश हेयर थे और हमने देखा ये तो वही है, फिर पीछे से जाके उसे धप्पा मार दिया, ठीक है, और वो एकदम सही निकला। बोले कैसे पहचाना है कि हम ऐसे ही पहचान लेते पीछे से, ठीक। तो बेटा आपने कुछ चीज़ों को एनालाइज़ किया, ठीक बात है, और एनालाइज़ करने के बाद आपने देखा कि हेयर स्टाइल ऐसा है, हाइट इतनी है, ठीक है, और उसके बाद देखा ये तो मेरा फ्रेंड, चलने का स्टाइल भी इसका ऐसे ऐसे ही है उसकी तरह, हमने पहचान लिया। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बो बनाया, फिर आपने फील किया ये मेरा ही फ्रेंड हो सकता है, ठीक बात है। दैट इज़ नोन एज इंटरप्रिटेशन, जब बहुत सारे फैक्ट को देख करके आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। बात क्लियर बेटा? एक इंसान पत्थर उठा करके फेंक रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो कौन हो सकता है? बच्चे कह रहे हैं वो सर कश्मीर का पत्थरबाज हो सकता है, आया ना, क्योंकि ये तो आजकल न्यूज में उधर से ही आ रहा है। बात क्लियर? लेकिन एक ऐसा इंसान जो पत्थर उठा करके फेंक रहा है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, कुछ तो पहन भी नहीं रखे, कौन हो सकता है? बच्चे कह रहे सर वो तो पागल हो सकता है, यस या नो? तो दो सर्कमस्टांसिस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और कुछ कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो। मैंने आपके सामने फैक्ट रखा और जब कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। बात क्लियर बेटा? एनालाइज करना, एक को पत्थर फेंकते हुए देख रहे हो, फटे कपड़े भी देख रहे हो उसके, तो ये तो आपकी एनालिसिस पावर है। बट उसके बाद जो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, ठीक बात है। तो लाइफ में जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल
एक स्टडी से कनेक्टेड एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारा बिजनेस काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेट सपोज उसका प्रॉफिट ट्रेंड पहले 10% था, फिर 20 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 30 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 40 हो गया, फिर 50 हो गया। मैं अगले साल के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस साल कितना होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं हर साल 10-10% बढ़ रहा है, इसमें सोचना कि इस बार एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 60% होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। क्या ये प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट से मिलेगी? तो ईच एंड एवरी ईयर के अकाउंट से वो प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज एनालिसिस, और उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकालना, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा रेशो एनालिसिस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उसमें क्या करते थे, पिछले साल का जीपी रेशो कितना, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना, हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस बेकार होती जा रही है। जीपी रेशो का मतलब क्या होता है, पिछले साल सेल के मुकाबले कितना प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, उसका एक रेशो डेवलप कर लिया करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। बात क्लियर है? और ईच एंड एवरी ईयर का हम वो परसेंटेज में रेशो डेवलप कर लिया करते थे। अभी आपके सिलेबस में है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, आप ये सारा का सारा अगेन पढ़ोगे। बच्चे कह रहे हैं सर एग्जीक्यूटिव में भी 12th वाला ही है, इसका मतलब कोर्स तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हाँ, वही सारी चीज़ें, नया कहाँ से आएगा, और उनको ही सारी बातों को डिटेल में हमने सीखना है। मैंने आपसे क्या बोला कि एनालाइज करना भी अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे एस्पेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेशन निकालना और फिर दूसरों को बताना। कई बार ऐसा होता है जैसे वो पर्सन पत्थर फेंक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, आपकी नज़र चली गई, आपकी फ्रेंड जो साइड में चल रहा था बराबर में उसकी नज़र नहीं गई, तो उसे कहते हैं देख 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 पागल पागल, ऐसे नो ऐसे करते नहीं करते हैं, थोड़ा पत्थर ना मार दे जल्दी निकल यहाँ से। तो मतलब आपने देखा, एनालाइज किया, आपने उसका क्या किया, कंक्लूजन निकाला और अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट किया। तो बेटा ये जो देख देख पागल पागल कहने वाला इंसान कौन है? बच्चे कह रहे हैं ये देख देख पागल कहने वाले इंसान हम बनेंगे। हम अकाउंटिंग करेंगे, उसकी एनालिसिस करना सीखेंगे, कंक्लूजन निकाला करेंगे, फिर मैनेजमेंट को बताया करेंगे कि देखो आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, ये होने वाला है। सबको कम्युनिकेट करेंगे, सबको किसको कम्युनिकेट करोगे, घर घर लेटर भिजवाओगे क्या? नहीं सर, रिपोर्ट के फॉर्मेट में सारे स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे। सर अब ये नया वर्ड कहाँ से लेके आ गए स्टेक होल्डर? क्या होता है स्टेक होल्डर का मीनिंग? जिसके पास शेयर होते हैं, जिसके पास शेयर होते हैं वो तो शेयर होल्डर होता है, वो तो ओनर होता है। इसके अलावा जो भी बिजनेस से कनेक्टेड होता है उन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर को हम बोल सकते हैं हितधारक, जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, वो दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर। जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अफेक्ट होते रहते हैं, दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर। मान के चलो आपके पड़ोस में एक फैक्ट्री लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रहा है, क्या आप उससे अफेक्ट होंगे? बेटा वो पॉल्यूशन कर रहा है, 100% अफेक्ट होंगे। तो आप भी स्टेक होल्डर हो, पब्लिक एट अ लार्ज भी स्टेक होल्डर होती है। और यही वजह है कि हर एक कंपनी, हर एक संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली उनकी वेबसाइट पर डाले जाते हैं, पब्लिक एट अ लार्ज के लिए ओपनली अवेलेबल कराए जाते हैं कि आप उन्हें देख सकते हो। बात समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो पब्लिकली अवेलेबल कराया जाता है, पब्लिक एट अ लार्ज भी उसे देख सकती है। बात क्लियर? बट उनके प्रोसीजर होते हैं, वही सारी चीज़ें आपको लॉ में भी सीखनी है, कुछ अकाउंट में सीखने हैं। मैंने आपसे बोला कि एनालिसिस कर लोगे, इंटरप्रिटेशन कर लोगे, उसके बाद वेरियस कम्युनिटीज़ को आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। और उस कम्युनिटी में कौन कौन आएंगे? ओनर आ जाएंगे, मैनेजमेंट आ जाएंगे, एम्प्लॉय आ जाएंगे, स्टाफ आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी और पब्लिक एट अ लार्ज। और इन सब के ग्रुप को किस नाम से बुलाते हैं? स्टेक होल्डर्स के नाम से। अकाउंटिंग की जर्नी में आपको समझा रहा था, हमने अकाउंटिंग इज एन आर्ट कह के स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग लेते हुए चले, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मीनिंग समझ पाए? आगे बढ़ें बेटा, और इसके बाद हम बात करेंगे, अगर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद चलेंगे एंड कम्युनिकेटिंग, द रिजल्ट टू द यूजर्स, और इसी रिजल्ट्स को हम किसको कम्युनिकेट करेंगे बेटा? यूजर्स को। और क्यों कम्युनिकेट करेंगे ये आप समझ पाए होंगे बेटा, अपने
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो आपने रिजल्ट या एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके जो कंक्लूजन्स निकाले उन्हें कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी को हम बताना चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, आप इस इन्फॉर्मेशन को देख करके इस बिजनेस के साथ डीलिंग करें। ठीक बात है, जैसे मैंने उस पागल के बारे में बताया था कि पागल पत्थर फेंक रहा है, कपड़े फटे हुए, उधर मत जाना, वो पत्थर मार सकता है। इंटरप्रिटेशन मैंने निकाला और आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया, तो अब आपको फ़ायदा क्या मिला कि आपके साथ दुर्घटना नहीं घटेगी। तो बिजनेस के जब ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग हो जाती है, उनका कम्युनिकेशन हो जाता है, तो जो नए नए पर्सन उस बिजनेस के साथ जुड़ने वाले होते हैं वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं। क्या बेटा ये कंप्लीट फुल फ्लेज प्रोसेस है? एक क्या स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको कुछ ऐसा लगा कि ये पढ़ाई वाली बातें हैं, कुछ ये कुछ पढ़ने वाली बात, ये जनरल है, हम तो बचपन से जानते हैं सारी बातों को। अगर हम इसे कनेक्ट करें तो ये हम सब बचपन से जानते हैं, अगर हर एक आस्पेक्ट वो पढ़ाई की तरह लें, टेंशन की तरह लें, तो फिर इसमें उलझे रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला आगे जा करके। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से एक यहाँ पर फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालो, कुछ इंटरप्रिटेशन माइंडसेट में रखो। जैसे हम आपको डेमो क्लास यूट्यूब पर भेज देते हैं, तो वो किस लिए भेजते हैं कि आप एनालाइज करो, कुछ इंटरप्रिटेशन निकालो, कंक्लूजन निकालो, एक राइट प्लेस पर पहुँचो। बहुत बार कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स भी प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है जिससे बच्चा कन्फ्यूज भी हो सकता है। लेट सपोज हम आपको ताज होटल में बुलाते कि आपकी क्लास यहाँ चलेंगी, यस या नो? ठीक है, तो भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते थे। कैसे कन्फ्यूज हो सकते थे? वाह, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े होटल में बुलाए, बड़ा ही इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, तो कई बार फैक्ट्स को फिगर्स को तोड़ मरोड़ के भी प्रेजेंट किया जाता है, और उससे क्या होता है कि सामने वाली पार्टी कन्फ्यूज हो सकती है और वो गलत डिसीजन ले सकती है। बट इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दो, कुछ मानक बना दो। अकाउंटिंग में इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे कि आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसका तरीका हम बताएंगे आपको। यस या नो? आपने 12th क्लास में एक बैलेंस शीट बनाई होगी शेड्यूल 3rd के फॉर्मेट में, जैसे मर्जी लिख सकते थे, या उसमें जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है उसी फॉर्मेट में बनानी पड़ती थी। वो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है उसी फॉर्मेट में बनानी होती, अपनी मर्जी से हम नहीं बना सकते। कोई ऐसे करके फैक्ट को प्रेजेंट ना करे, पब्लिक के साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि जब बेटा फाउंडेशन वाला बच्चा क्या जानता है, उसे आप 5-स्टार में बुलाओगे तो उसे तो लगेगा अरे 5-स्टार में बुला रहे हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। अब एक दो दिन बुला लिया, वहाँ एडमिशन उसका ले लिया, उसके बाद चलो उसी गली में। बात समझ रहे हो ना? तो अब बच्चा जिसको देख करके गया था वो नहीं मिला ना, तो वहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो हमारी प्राइवेट थिंग्स है, हालांकि ऑब्जेक्टिव सारे वही होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऐसा जिससे सोसाइटी का बहुत बड़ा सेगमेंट कहीं ना कहीं डील होता है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बने हुए कि उन इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। किसी भी प्रिंसिपल को कहीं पर भी लगा लो, हर जगह सेमली अप्लाई होता है। बट मैंने अगेन आपसे बोला कि एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं लेना, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेना, उसे कनेक्ट कर देना है आपको, और देखो फिर मज़ा भी आएगा, सीखने में अच्छा लगेगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको रिटेन भी रहेगा। हालांकि आज की क्लास में मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, जो डेफिनेशन आपके टीचर ने 2 मिनट में ख़त्म कर दी थी वो कह दिया था कल घर से रट के लाना इसे, और उस पर हम पिछले 2 घंटे से बात करे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, बट मैंने आपको कहीं ना कहीं कुछ वे कुछ तरीके यहाँ पर डिलीवर करने का प्रयास किया है कि हम कैसे हम सीखना चाहते हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद, क्या है हमें इस बात से कोई बहुत बड़ा मीनिंग, बहुत बड़ा हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये क्यों है, क्योंकि क्यों अभी क्या है, क्यों है जब हम समझ जाएंगे तो कल को नए नए एस्पेक्ट हम खुद डेवलप करेंगे, खुद बनाएंगे, और वहाँ पर इस फील्ड को और डेवलप करने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इस पैटर्न पर बेटा हम पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि आज की क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो एक आर्ट से स्टार्ट होती है। सिस्टमेटिकली इस डेफिनेशन के को पढ़ाने के मतलब डेफिनेशन को पढ़ाते पढ़ाते बेसिकली मैंने आपको अकाउंटिंग की जर्नी आपको सिखाई है कि ये डेफिनेशन अल्टीमेटली किस तरीके से आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग की जर्नी को आपको डिफाइन कर रही होती है। और जो कुछ भी हम एंट्री करने वाले हैं, जो कुछ भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, कोई भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा कंसेप्ट इस डेफिनेशन से बाहर नहीं होगा। इस डेफिनेशन के किसी न किसी सेगमेंट, किसी न किसी पार्ट को ही वो कनेक्टेड करेगा, और उस पार्ट की वजह से ही वो हम काम कर रहे होंगे।
तो जब जब हम कुछ भी नया सीखेंगे तो उसे डेफिनेशन से कनेक्ट करेंगे कि ये सर कौन से वाले पार्ट का है, ये क्या रिकॉर्डिंग है, क्या ये क्लासिफिकेशन है, क्या ये समराइजेशन है, क्या ये एनालिसिस है, क्या ये इंटरप्रिटेशन है, इन सारे एस्पेक्ट्स को वहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं इसे और कंटिन्यू करूँगा लेकिन एक समय की सीमा है, उसे हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।